ईरान में रूहानी से आपकी मुलाकात कैसी रही? बहुत अच्छी। और कोई गर्म जोशी वाली तो रखें, क्योंकि हमारे बॉर्डर एरियाज में कभी जिंदुल्ला आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, टेंशन पैदा हो जाती है। मलिक साहब देखिए, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। एक तो वहाँ भी हमारा जो बॉर्डर है वो फेंस हो रहा है, हमने नई अंडरस्टैंडिंग्स पैदा की हैं। हमने आपने देखा होगा कि अभी जब मैं तेहरान था तो हमने एक बड़ा एक दूरस्थ मुआहिदा उस पर हमने दस्तखत किए, और वो है इस्टेब्लिशिंग बॉर्डर मार्केट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, ईरान की तरफ भी और पाकिस्तान की तरफ से, ताकि जो बॉर्डर के करीब ईरान की आबादी रह रही है, बलूचिस्तान के लोग रह रहे हैं, सदर बलूचिस्तान के, उनके लिए आसानी पैदा करें, ठीक है, उनके लिए रियायत हमें मिल सके। और ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अब माशाल्लाह बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं, और वो भी समझते हैं कि हमारी अहमियत को समझते हैं, हमारे वो पड़ोसी हैं, हम उनकी ज़रूरियात और उनके बहुत से इश्यूज़ हैं जिन पर हम नरम गोशा रखते हैं। और अमेरिका और ईरान के जो मामलात हैं, क्या उसमें हमारा कोई रोल है? देखिए, हम तो चाहेंगे कि उनके मामलात जो हैं वो गुफ्तगू शुनीद से हल हों। क्या हम कोई रोल प्ले कर रहे हैं? देखिए, हमें अगर कोई चाहेगा तो हम चाहेंगे कि एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके, हम तो चाहेंगे, हमारी तो ख्वाहिश यही है कि जो जहां से बात टूटी थी और जो अमेरिका ने यकतरफा इकदाम लिए थे सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो JCPOA के मामलात थे, उस पे अगर ये मौजूदा बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन नज़रसानी कर रही है और अब वियना में कोई नशस्त और गुफ्तगू हो रही है, तो उस पे अगर पेशरफ्त हो जाती है तो हमें तो खुशी होगी। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से आपके तल्लुकात कैसे हैं? क्योंकि टोनी ब्लिंकन की पहली कॉल को बहुत अच्छी आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे मौके पे आई कि एक फैसला था जिसके ऊपर उसने अपने तहफ़ुज़ात, तो मुझे लगा कि बिगनिंग अच्छी नहीं है। देखिए, बदकिस्मती से मेरी उनसे गुफ्तगू हुई, पर ताज़ा फैसला हुआ था सिंध हाई कोर्ट का, तो हमारी गुफ्तगू का वो मौजू बन गया और ज़्यादा वक्त उसी के गिर्द गुफ्तगू घूमती रही। गो मैंने और इश्यूज भी उठाए और मैंने उनको एक मुफसल ख़त लिखा है सेक्रेटरी ब्लिंकन को, जिस ख़त में मैंने उन चीज़ों को उजागर करने की कोशिश की है जो हमारे मुस्तकबिल में कॉमन इंटरेस्ट हो सकते हैं, जहाँ हमारा एक कन्वर्जेंस मौजूद है। कोई जवाब आया उनका? जी जी, उस पर वो गौर व फिक्र कर रहे हैं। और उसके बाद अभी जो उनकी जो अभी कंफर्म हुई हैं डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन, उनसे भी मेरी एक लंबी गुफ्तगू हुई है टेलीफोन पर, और उन चीज़ों को उन्होंने एक्नॉलेज भी किया है और आगे पेशरफ्त का इशारा भी दिया है। उन्होंने ये अगर मैं एक जुमले में कहूँ, ये इशारा बिल्कुल दिया है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन ने भी इशारा दिया है, सदर बाइडन ने भी इशारा दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ इंगेज रहना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कायम करना चाहेंगे और पाकिस्तान की अहमियत से वो गाफिल नहीं है। और हम भी समझते हैं कि हिंदुस्तान अमेरिका के साथ हमारे एक अरसा दराज से हमारे ताल्लुकात रहे हैं, उतार चढ़ाव उनमें रहा है, इस पर कोई शक नहीं, उतार चढ़ाव हो रहा है, लेकिन जब भी हमने मिलके काम किया है दोनों को फ़ायदा हुआ है। सर, आमतौर पे मिलते हैं हम तभी हैं जब इस खत्ते में US फॉरेन पॉलिसी गोल्स, कोई उन्हें यूट्यूब आना हो या इस टाइप का इशू, अदरवाइज हमारे मामला में बिगाड़ा जाए। जब मुमलिकतें होती हैं, स्टेट्स होती हैं, जब मिलती हैं तो अपने इंटरेस्ट को तो सामने रखती हैं, और ये तो लामहाला सी चीज़ है। CPAC के ऊपर कहा जाता है आपकी हुकूमत ने बहुत उसको स्लो कर दिया, हमने सड़कें बना दी, अरबों डॉलर उसमें डाल दिया, जो इंडस्ट्री वस्ट्री लगनी थी वो लगी नहीं। नहीं, देखिए मेरे साहब, ये एक बारह ये तासर उभारने की एक तबका कोशिश करता है, हकीकत इसके बरक्स है। हकीकत ये है कि हमारी हुकूमत ने CPAC के जो जारी मंसूबे थे, ना सिर्फ उनको मुकम्मल कर रहे हैं, बहुत से मुकम्मल हो गए, बहुत से इंशाल्लाह मुकम्मल होने वाले हैं। इंडस्ट्री की तरह सर मैं ऐसा करता हूँ, अब आ गई बात इंडस्ट्रियल रिलोकेशन की, अब आ गई बात उस पे सड़कों और बिजली के प्रोजेक्ट्स के अलावा आगे की, तो हमने उनके साथ जो CPAC फेज़ टू का मुआहिदा किया है, तो उसमें सब वो चीज़ें हैं, उसमें पॉवर्टी एलिवेशन की बात है, उसमें इंडस्ट्रियल रिलोकेशन की बात है, उसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन्हांस करने की बात है, और उस पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को जो खड़ा करने की बात है, उन सब में पेशरफ्त हो रही है, हुई है।
بدقسمتی سے مت بھولیے کہ یہ ڈیڑھ دو سال جو گزرے ہیں اس میں ہمیں نہیں پوری دنیا کو چین کو بھی کووڈ 19 نے متاثر کیا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ سب ملک جو ہیں وہ اس بلا سے اور اس وبا سے دو چار رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں. ابھی بھی آج ہم تھرڈ ویو کا مقابلہ کر رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں بہت سی ہم نے ریسٹرکشنز اپنے پر خود لاگو کی ہیں اپنے لوگوں کو اپنے ملک کو محفوظ کرنے کے لیے. تو یہ آبویسلی جب ایسے حالات ہوں گے, جب ان حالات کی وجہ سے گلوبل اکنامک کنٹریکشن ہوگی, گلوبل ٹریڈ متاثر ہوگی, جو سفارتکاری معمول کی ہے وہ متاثر ہوگی, ٹریول متاثر ہوگا, تو اس سے چیزیں سلو ڈاؤن ہوتی ہیں. لیکن ہماری جو ہماری سمت ہے وہ درست ہے, ہمارا جو اس پہ عزم ہے وہ بالکل لازوال ہے, اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں اس میں آپ کو تیزی دکھائی دے